हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करेंगे कि बच्चों को स्पेलिंग्स लर्न कराने का सबसे आसान तरीका कौन सा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि बच्चों को कुछ भी लर्न कराने के लिए जितना इंटरेस्टिंग तरीका हम अपनाएंगे उतनी ही वो प्रोसेस उनके लिए ईजी हो जाएगी। पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों को भी अगर हम एक एक्टिविटी बना दें तो ये काम उनके लिए नहीं हमारे लिए भी आसान हो जाएगा, क्योंकि फाइनली लर्न तो हमें ही कराना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इंटरेस्टिंग तरीके से लर्न किया हुआ लेसन बच्चा भूलता नहीं है, वहीं बोरिंग तरीके से की हुई पढ़ाई को भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो स्पेलिंग्स लर्न कराने का सबसे आसान और इंटरेस्टिंग तरीका है ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड का यूज़ करना। आप सिंपली बच्चे के साथ एक गेम खेलिए जिसमें बच्चा टीचर बन जाए और आप स्टूडेंट बन जाओ। बच्चों को टीचर बनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। फिर जिन स्पेलिंग्स को लर्न करने में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, आप एज ए स्टूडेंट पूछिए कि टीचर टीचर मुझे स्पेलिंग नहीं आ रही, आप बता दोगे प्लीज़। फिर बच्चा बोर्ड पर लिखेगा, कुछ गड़बड़ हो तो आप ठीक करवा देना, फिर से पूछना, फिर से लिखवाना। इस तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से की हुई चीज़ से बच्चा सारी स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से लर्न कर लेगा और कभी भूलेगा भी नहीं। दूसरी एक्टिविटी हम ये कर सकते हैं कि हम बच्चे के साथ एक गेम खेलें जिसमें किसी भी स्पेलिंग का एक लेटर बच्चा बोलेगा, एक लेटर हम बोलेंगे, एक लेटर बच्चा बोले, एक लेटर हम बोलें। इस एक्टिविटी से बच्चों को टफ स्पेलिंग्स भी बहुत अच्छे से लर्न हो जाती है। एक और इंटरेस्टिंग तरीका है, जो भी स्पेलिंग्स आपने लर्न कराई है उसकी चेकिंग भी हो जाएगी कि शाम को बच्चे के सामने ही आप अपने हस्बैंड से वो स्पेलिंग पूछिए और हस्बैंड गलत करके उसे बताएंगे तो बच्चा करेक्ट करेगा, तो बच्चे को बड़ा मज़ा आएगा, उसकी चेकिंग भी हो जाएगी, अच्छे से लर्न भी हो जाएगी, प्लस उसको बड़ा मजा आएगा कि पापा नहीं बता पा रहे और मैं बता पा रहा हूँ। इस एक्टिविटी में आपकी बहुत सारी मस्ती भी हो जाएगी। नेक्स्ट तरीका है जंबल वर्ड्स। आप किसी भी स्पेलिंग्स के लेटर्स अल्फाबेट्स आगे पीछे लिख के बच्चे को दीजिए और उससे बोलिए अब आप इससे कोई स्पेलिंग बनाओ। इस एक्टिविटी में बच्चे को मज़ा तो आएगा ही, साथ ही साथ उसके ब्रेन की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। नेक्स्ट तरीका है क्रॉसवर्ड पजल। इसमें बच्चों को स्पेलिंग्स ढूंढनी होती है, बनानी होती है। आप बच्चों के लिए अलग से क्रॉसवर्ड पजल बनाइए जिसमें वो स्पेलिंग्स लिखिए जो बच्चों को लर्न करनी है। इसमें बच्चों को बहुत मज़ा आता है। तो हमें इस तरह के अलग अलग तरीके अपनाने ही चाहिए, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उससे छोटे छोटे बच्चों पर भी बहुत बर्डन आ जाता है, पढ़ाई का बहुत प्रेशर होता है उन पर। तो एज अ पेरेंट हम उनके बोझ को कम कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग तरीके अपनाते रहिए, बच्चों की लर्निंग को एक्टिविटी बनाते रहिए और बच्चों के साथ साथ खुद भी सुकून से रहिए। मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।